हेलो मेरे सभी भाई लोग, कैसे हो? नमस्कार। जैसे कि आप में से सभी भाइयों में से एक कमेंट आया था कि नाथनगर से लगभग 2000 बड़ा कावर गया है, लेकिन सच में दोस्तों मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था और कांवरिया पथ पर लगातार बने रहा और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और देखिए सामने से आना शुरू हो गया है बड़ा कांवर। और दोस्तों जैसे कि कमेंट में था कि 4 सितंबर को निकला है सुल्तानगंज से और यहाँ तक पहुँचने में पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन दोस्तों 5 सितंबर को शाम में सिब्लोक में मिल चुका है और दिखा रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं बड़ा कांवर लेके गोल्डन कलर का। और काफ़ी सारे कांवर आपको मिलेंगे बड़ा बड़ा, तो वीडियो के अंत तक आप देखते रहिए। और दोस्तों देखिए कि सावन का जो माहौल होता था सेम फिर से आ चुका है सावन जैसा माहौल। और ये दोस्तों भादो का अंतिम चरण है, लगभग 3 से 4 दिन बचा है भादो के पूर्णिमा में। और सामने देखिए कांवर है, बड़ा सा कांवर। और दोस्तों इस कांवर में मैंने देखा सिर्फ घुमाता हुआ ले जाया जा रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में किस प्रकार का माहौल है। और यहाँ से देखते जाइए दोस्तों किस प्रकार गाड़ियों में सजा कर डीजे, देखिए नाथनगर कांवरिया संघ नाथनगर भागलपुर। और दोस्तों ये भागलपुर नाथनगर का कांवरिया संघ निकला है और देखिए एक साथ कई सारे वो भी बड़े कांवर और कम से कम हज़ारों की संख्या में होंगे और कई सारे ग्रुप आगे पीछे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत कम है। और देखिए दोस्तों मैंने खास बात यहाँ पर देख रहा हूँ कि भीड़ बिल्कुल सावन जैसा है, सावन फिर से आ गया है लगता है। और दोस्तों देखिए जितने भी कांवर है सब दोस्तों घुमाते हुए ले जा रहे हैं, सीधा कोई नहीं ले जा रहे हैं, ऐसा तो मैंने सावन में भी मैंने नहीं देखा था। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और सावन में तो आपने देखा ही, तो दोस्तों भादों में भी देखते जाइए। और फिर यहाँ से देखिए कई सारे कांवर बड़ा निकल चुके हैं, उनके पीछे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। और सभी एक साथ जाते हैं तो कांवरिया पथ जाम हो जाता है दोस्तों, ठीक ऐसा ही आपको भादो की पूर्णिमा में मिलेगा भीड़। तो दोस्तों देखते जाइए और आगे निकल चुके हैं पूरे बड़े बड़े कांवर वाले, जैसे कि देखिए इधर किस प्रकार देख रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। और दोस्तों ये नज़ारा तो काफ़ी मनमोहक लग रहा है, आपको देखने के बाद बिल्कुल पता चल रहा होगा कि किस प्रकार का माहौल है। और दोस्तों ये भादो का अंतिम चरण है, मैं बार बार बता रहा हूँ और किसी भाई ने तो ज़रूर बताया था इसी के बारे में, नाथनगर कांवरिया संघ के बारे में, तो मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो देखते जाइए और हम आगे आपको दिखाते हैं, थोड़ा हम भी पीछे पीछे जाके कुछ दूर आगे चल के दिखाएँगे। और देखते जाइए आगे, सामने देखिए दोस्तों किस प्रकार भीड़ है। और ये दोस्तों बाबा धाम पहुँचेंगे और लगता है कि 2 से 3 दिन में पहुँच जाएंगे और पैदल यात्रा जारी है देवघर यात्रा की। तो दोस्तों सुल्तानगंज से यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इधर से देखिए दोस्तों फिर से एक ग्रुप आ रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों काफ़ी सारे कांवरिया दुकानों में भी विश्राम कर रहे हैं और ये लोग भी देख करके काफ़ी आनंद ले रहे थे दुकानों में बैठे बैठे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कांवर स्टैंड है और देखिए एक बड़ा कांवर फिर से आ रहा है सामने दोस्तों, और देखिए किस प्रकार का दिखाई दे रहा है और काफ़ी ऊँचा है।
तो देखते जाइए कांवर को। देखिए बोलबम कांवरिया संघ, देखिए बोलबम का चल रहा है और ये भी निकल चुका है आगे। और हम दिखाते हैं फिर से आपको किस प्रकार आ रहा है दूसरा ग्रुप, और सामने है दोस्तों दूसरा ग्रुप, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। और यहाँ से देखिए जो भी कांवर बड़ा आ रहे हैं वो सिर्फ घुमाते हुए ही ला रहे हैं, पता नहीं घुमा कर लाना क्या है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए जब भी जा रहे हैं तो घुमाते हुए जा रहे हैं पूरे कांवरिया पथ पर, और देखिए खुद घूमते हुए, खुद घूमेंगे तो कांवरिया जरूर कांवर घूमेगा ही दोस्तों। यहाँ देखिए फिर से दूसरा ग्रुप सामने आ चुका है और गाड़ियाँ सामने दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम उसका भी देखते हैं किस प्रकार का माहौल है और उसके पीछे कितना भीड़ है वो भी देखिए आप वीडियो में। तो देखिए कुछ दूरी पर खड़े हैं और आ रहे हैं सामने की ओर, और ये सभी के सभी दोस्तों नाथनगर कांवरिया संघ ही है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए लगातार और देखते रहिए कांवरिया संघ को भादो का न्यू अपडेट। कहते हो ना दोस्तों एक ही कद जगह का दिखाते हैं, तो कारण यही है, सिर्फ न्यू अपडेट देता रहता हूं मैं आप सभी को। यहां से देखिए दोस्तों किस प्रकार से एक साथ इस जगह पे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा ग्रुप में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पहले से भी ज़्यादा है, और सभी साथ साथ पैदल झूमते हुए जा रहे हैं और कांवरियों को भी झूमाते जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए डीजे वाला गाड़ी आगे निकल चुका है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, रेड कलर, तिरंगे का कलर, सभी कलर में देखिए घुमाते हुए जा रहे हैं और खुद झूमते हुए झूमाते हुए, और भीड़ एक साथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल ही रहा होगा। देखिए आगे पीछे कई सारे कांवर निकल रहे हैं, और यह दोस्तों बड़ा कांवर है, और ऐसा कांवर तो मैंने सावन में भी नहीं देखा था, सिर्फ एक ही देखा था वो मोर वाला जो बड़ा कांवर लेके जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, और आ रहा है दूसरा ग्रुप, और ये भी देखिए नाथनगर कांवरिया संघ का ही है बैंड वाला। तो आगे हम दिखाते हैं दूसरा ग्रुप को किस प्रकार से है यहाँ पर, लेकिन पहले ये देखिए ये गुजर रहा है आगे। और यहाँ देखिए दोस्तों आप कह रहे होंगे ना कि कांवरिया पथ पर गाड़ियाँ, जी हाँ दोस्तों ये भादो है, सावन नहीं है, सावन में तो चलना नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भादो है, गुजर रहा है सिर्फ कांवरिया पथ से ही, और साथ साथ है कि साथ जाने का एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे कांवरिया गाड़ी में भी है और काफ़ी सारे कांवरियों का सामान भी गाड़ी में है, इसलिए गाड़ियां साथ साथ चलती है ताकि आगे किसी भी चीज़ का सुविधाओं में दिक्कत ना हो। जैसे कि देखिए ये भी गाड़ियां निकल चुकी है आगे, और काफ़ी सारे कांवरिया निकल गए आगे, और यहाँ से देखिए कुछ नहीं है अब, फिर सिर्फ कांवर यात्रा है, और गाड़ियों की भी लाइन आगे निकल चुकी है और निकल रहे हैं, और काफ़ी सारे देखिए सामने दुकानों से बैठकर देख रहे हैं पूरे कांवरियों का, कांवर यात्रा का जो नया माहौल दिखा उसका आनंद ले रहे हैं और देख भी रहे हैं किस प्रकार का कांवरिया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में।